तो टॉपिक है फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू कंडक्टर करंट कैरिंग लॉन्ग कंडक्टर. लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट कंडक्टर्स हैं. तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन होगा कि आपके पास दो करंट कैरिंग वायर्स हैं कुछ ऐसी. मान लेते हैं इसमें और इसमें करंट अपवर्ड है I1 एंड I2. को डाउट इसमें. अब होगा क्या, इसमें क्योंकि करंट ऊपर है ये अपने आसपास क्या लगाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी. इसमें करंट ऊपर है अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी. राइट, क्लियर है. तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी. तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर पड़ी हुई थी, तो इसने इस वायर पे कितनी फोर्स लगाई. सपोज करो क्वेश्चन में डिस्टेंस ए गिवन है, ये ए गिवन है. तो इस वायर नंबर वन ने, ये वायर नंबर टू है, वायर नंबर वन ने वायर नंबर टू पे बी कितना लगाया. तो अगर मैं कहूं कि बी लगाया, बोलो कितना लगाया, म्यू नॉट बाय 4 पाई बाय सबट लॉ 2I1 डिवाइडेड बाय ए. ऐसा ही होगा, अपने आसपास बी लगाएगी और ए डिस्टेंस पे इतना बी लगाएगी. अब ये जो वायर है इसका एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लें प्लीज. मान लो इसका एक स्मॉल लेंथ आपने कंसिडर कर ली, वो लेंथ की वैल्यू है एल. क्योंकि लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर की लेंथ तो पता नहीं, तो मैंने इसका स्मॉल पोर्शन कंसिडर कर लिया एल. तो एल पोर्शन में I2 करंट जा रहा था. अब ये वायर कहती है देखो बात ऐसी है कि मेरे अंदर करंट जा रहा है और मैं किसी के मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई हूं, तो मेरे पे फोर्स एक्सपीरियंस होगी. तो वो फोर्स की वैल्यू कहां लगेगी कोई बता सकता है मुझे, इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगी कहां, राइट की लेफ्ट. ये चेक करने के लिए आपको सबसे पहले बी की डायरेक्शन देखनी है. क्योंकि ये करंट ऊपर की तरफ है तो थंब ऊपर की तरफ है, तो बी कैसे लगेगा बोर्ड के इनसाइड. तो यहां पर बी की जो डायरेक्शन है वो कैसे आएगी, बी बोर्ड के इनसाइड. तो करंट ऊपर है तो बी बोर्ड के इनसाइड. अब ये वायर कहती है कि देखो मैं भी बी जनरेट करती हूं, और कोई भी वायर अपने ऊपर अपना भी जनरेट करके फोर्स नहीं लगाते कभी भी, वो अलाउड नहीं है, डिफाइंड नहीं है एक्चुअल में. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कोई चार्ज अपने ऊपर अपना फील्ड नहीं लगाता, वो किसी के फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है. ये नहीं कि पहले वो फील्ड लगाएगा फिर अपने ऊपर ही फोर्स लगाएगा, ये नहीं होता. तो ये जो वायर है ये इसके फील्ड में पड़ी हुई है और फील्ड की डायरेक्शन कहां है, इनसाइड. तो ये फोर्स एक्सपीरियंस कहां करेगी, फ्लेमिंग का रूल. बी कहां पर है, इनसाइड. करंट कहां पर है, ऊपर. फोर्स कहां एक्सपीरियंस करेगी, लेफ्ट. तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगी टुवर्ड्स लेफ्ट. ये लो, तो फोर्स कहां एक्सपीरियंस होगी इसकी, टुवर्ड्स लेफ्ट. तो मान लो ये फोर्स का नाम क्या है, F2. ये फोर्स का नाम है F2. कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहां तक, ये F2 वेक्टर या F2 आ गया. अब ये बताओ ये F2 की वैल्यू क्या होगी. F2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से देखना, ये फोर्स किसके ऊपर निकल रही है, वायर नंबर वन की टू. ये बी किसका यूज कर रही है, वायर नंबर वन की टू 1. तो बी किसका यूज कर रही है, B1. बाकी सारी टर्म्स ये अपना ही यूज कर रही है, करंट भी अपना यूज कर रही है, लेंथ भी अपनी यूज कर रही है, और साइन ऑफ 90 तो है ही है. तो यहां से इस फोर्स को इस लेंथ से डिवाइड कर दें तो, और B1 की वैल्यू पुट कर दें, म्यू नॉट बाय 4π 2I1 बाय ए इंटू I2 ऐसे. तो ये वैल्यू क्या जाएगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ. फॉर्मूला नोट करो, फॉर्मूला बुकलेट में फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4π 2I1 I2 बाय ए. इसके यूनिट्स न्यूटन नहीं है, न्यूटन पर मीटर है. तो ये फर्स्ट वायर के ऊपर हमने क्या निकाली, फोर्स पर यूनिट लेंथ. सिमिलरली अब एक और काम करते हैं, उल्टा करते हैं. उल्टा कैसे, ये जो I2 है ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, इस वायर की मान लो L लेंथ को कंसिडर कर लेते हैं, तो क्या लगाएगा, B2. I2 B2 लगाएगा. B2 कितना लगाएगा, म्यू नॉट बाय 4π 2 इंटू I2 डिवाइडेड बाय A. इनफाइनाइट वायर का रिजल्ट लग गया. ये B2 अंदर लगेगा कि बाहर लगेगा, डायरेक्शन बताओ. चलो चलते हैं बाइट सबट लॉ. करंट क्योंकि इसमें ऊपर है तो बी कैसे लग रहा है, आउट. करंट ऊपर है तो यहां पे बी कैसे लगेगा, आउट. तो यहां पे लिख लेता हूं बी कैसे लग रहा है,
आउटसाइड। अब ये वायर कहती है कि देखो एल लेंथ है जिसमें मेरा करंट आई वन है और मैं मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई हूं, तो मेरे ऊपर फोर्स लगेगी। फोर्स क्या लगेगी, कहां लगेगी, पहले बी कैसे है, आउट, आउट करंट कहां पर है, ऊपर, फोर्स कहां लग रही है, राइट। तो फोर्स की वैल्यू यहां पे क्या लगेगी, टुवर्ड्स राइट, कितनी लगेगी, एफ वन वेक्टर कुछ इतनी लगेगी। अच्छा, एफ वन की वैल्यू अगर निकालनी हो, अब फोर्स किस पे निकाल रहे हैं, वन वायर पे, तो एफ वन, ये बी किसका यूज कर रही है, पड़ोस की वायर का, कितना, बी टू, करंट अपना यूज कर रही है, लेंथ अपनी यूज कर रही है, साइन ऑफ 90। तो यहां से अगर फोर्स अपॉन लेंथ की वैल्यू निकालें और बी टू की वैल्यू पुट करें, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I2 डिवाइडेड बाय ए आंसर। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला दोनों वायर्स में एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम हो जाएगा प्रूफ। ये कोई डाउट इसमें, ठीक है? तो आज के बाद जब ये पेपर में आएगा या न्यूमेरिकल आएगा, वो आपसे ये पूछेगा कि वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है, ये फोर्स की डायरेक्शंस क्या होंगी, तो आज के बाद आपने इतना लंबा सोचना नहीं है कि पहले बी की डायरेक्शन फिर एफ की डायरेक्शन, फ्लेमिंग का रूल ना, शॉर्टकट सुनो। अगर दो वायर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करती हैं तो फोर्सेस इनके ऊपर हमेशा अट्रैक्टिव रहेंगी, अंदर की तरफ ही रहेगी, रिजल्ट है। तो क्या रिजल्ट है, रिजल्ट ये है, इफ टू वायर्स आर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, देखो दो केस बनाता हूं मैं, दो केस बनाता हूं जिसमें करंट पहली वाली वायर में ऊपर है, इसके अंदर भी ऊपर है, इसमें ऊपर है और इसमें नीचे है, ऐसे। तो इसके अंदर ये करंट I1 है, ये करंट I2 है, ये करंट I1 है, ये करंट I2 है, और आपसे ये पूछा गया डायरेक्शन बताओ फोर्स की, तो कुछ नहीं करना, शॉर्टकट सुनो। इफ टू वायर्स आर करंट कैरिंग इन सेम डायरेक्शन, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो F1 वेक्टर, F2 वेक्टर पास आएंगे, और अगर दे आर कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो दे विल रिपेल ईच अदर। कोई डाउट इसमें, तो इसमें अट्रैक्शन है, इसमें रिपल्शन है, ये याद रखना है आपने। तभी तो जो पैरेलल वायर्स है बहुत हाई करंट है उनमें स्टिक या वुडन स्टिक डाली जाती है ताकि आपस में चिपक ना जाए, या दूरी रखी जाती है ताकि आपस के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये चिपक ना जाए।